फिंगर क्रॉस्ड, आई होप वो मीटिंग सक्सेसफुल जाए और ये वाला कोलैबोरेशन भी एनफोर्स हो जाए जल्दी। गैस बन रही है इसमें? किसमें गैस बन रही है? मैं जा रहा हूँ लखनऊ, 5th या 6th को ट्रैवल करूँगा और वहाँ पे 1 या 2 दिन रुकूंगा। वहाँ पे एक छोटा सा मीटअप ऑर्गेनाइज करते हैं। आई विल स्पीक टू द लोकल पार्टनर दैट। मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक इस बिल्डिंग में है, एक अगली वाली बिल्डिंग में है, और दोनों के ग्राउंड फ्लोर हमारे को मिलते हैं। ये वाला एजेंडा बहुत टाइम से चल रहा था कि जिनसे वो मैटर रिजोल्व करना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू, तो सबनू राम राम, तो सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे जैसे कि मैं कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ फिलहाल पंचशील मार्ग, मेरी वहाँ पे है बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग। फिंगर क्रॉस्ड, आई होप वो मीटिंग सक्सेसफुल जाए और ये वाला कोलैबोरेशन भी एनफोर्स हो जाए जल्दी। इसके अलावा मैं जा रहा हूँ लखनऊ, 5th या 6th को ट्रैवल करूँगा और वहाँ पे 1 या 2 दिन रुकूँगा, और 8th को आई विल बी बैक इन दिल्ली। एंड वहाँ पे एक छोटा सा मीटअप ऑर्गेनाइज करते हैं। आई विल स्पीक टू द लोकल पार्टनर दैट वी हैव फॉर डिटेलिंग डेविल्स। लखनऊ वालों से बात करते हैं और वहाँ पे एक छोटा सा मीटअप ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे हम बैठ के 1-to-1 डिस्कशन करें, एक दूसरे को और जानें। एंड आई ट्राई टू ऑर्गेनाइज इट एट द ब्रेकफास्ट आवर्स, तो इसको ब्रेकफास्ट आवर्स के लिए ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि गर्मी कम से कम हो और वी ऑल कैन एन्जॉय यू नो ईटिंग टुगेदर, साथ में खाना खाएंगे ना, मज़ा एक अलग आता है। व्हेन यू एक्सचेंज फूड, व्हेन यू एक्सचेंज काइंड ऑफ अ सॉल्ट, तो आप यू नो यू विल बिकम पार्ट ऑफ आर फैमिली। दैट्स माय थॉट, आप सबका थॉट प्रोसेस अलग हो सकता है। बाकी गर्मी बहुत पड़ रही है, खूब पानी पियो। मैं पानी भूल गया लाना, तो रास्ते में से पानी की बॉटल उठाते हैं और पंचशील मार जाते हैं। यहाँ से डिस्टेंस टू डेस्टिनेशन है 38 मिनट्स, विच इज़ गुड, बट रोड पे ट्रैफिक कम है क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है ना। अभी करंट टेम्परेचर है 41.5। आई होप इट रेन्स, अदरवाइज दिल्ली इज बर्निंग। दिल्ली में आग लगी हुई भाई, आग। देखो जब से ना मैं इनसे मिला हूँ ना, मेरे को सब कुछ देसी खिला रहे हैं। आज भी जो इन्होंने देसी पिलाया ना मेरे को, मतलब पूछो मत, इतना मीठा था। और कह रहे हैं अरे मीठे से कुछ नहीं होता, पियो। और ऊपर से वेटर को अलग बोल दिया कि भाई इसमें मीठा पूरा होना चाहिए अलग से। और मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने साल का मीठा एक बार में पी लिया। एनर्जी आती है। देखो हम कहाँ आए थे यहाँ से, अभी एक मिनट आपको दिखाते हैं बढ़िया वाला व्यू। ये देखो वो, यहाँ पे हम कुछ करने आए थे और कुछ करके जा रहे हैं भाई। बहुत ही बढ़िया मीटिंग गई और साथ में ही सागर रत्न था। पता नहीं उनके प्राइसिंग क्यों जा रहा थी, मैंने उनसे पूछा था कि भाई साहब आपकी प्राइसिंग बाकी सब सागर रत्न से ज़्यादा क्यों है, तो उन्होंने बोला कि एक तो ये प्राइम लोकेशन पे है, दूसरा ये 5-स्टार होटल के अंदर है, तीसरा इस पर 18% GST लगती है जो कि बाहर 5% लगती है। अब 5-स्टार होटल के लिए 5% ही GST होनी चाहिए ना फूड के लिए, वाई 18%? नॉट मेकिंग एनी सेंस भाई, खाना तो खाना ही। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा फूड में कोई डिफरेंस है क्या, कहते नहीं। इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग टू नो, एक बार आप आके ना खुद चेक करना अशोका होटल के अंदर, दी अशोक के अंदर, अशोक था अशोका था चलो। तो यहाँ पे सागर रत्ना जो था सिल्वर एरो के बिल्कुल साथ, मीटिंग करने आए थे हम सिल्वर एरो में, मीटिंग हो गई और जिस पर्पस के लिए आए थे वो पर्पस भी हो गया। डाल दो काका। गैस बन रही है इसमें? किसमें गैस बन रही है? इसको कोई गोली वोली खिला सकते हैं गैस की? नहीं, टंकियों में गर्मी टाइम बनी जाती है किसी किसी में। बता दो और कोई गोली वोली आती है इसके लिए? पैंडी खिला देते हैं गाड़ी को भी, हो जाता है। हाँ गर्मी, इसीलिए तो बोलते हैं कि टैंक पूरा मत भरो, लोग भर देते हैं ना पूरा ऊपर तक। काका इसीलिए बाल कटवा लिया आपने इसी गर्मी की वजह से? फिर भी लेकिन आपको टोपी पहनने पड़ रही है, गर्मी नहीं लगती? फिर इधर कम से कम पंखे कूलर तो लगवा लो, उनको बोलो कहीं नहीं मिलेंगे आपको, कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ खतरे के चक्कर में ना, बिजली का कुछ भी सामान इधर उधर।
तो आपका जो बैठने का रूम बनाया होगा वहाँ तो जैसे ड्यूटी चेंज होती रहे बंदा थोड़ी देर बैठ जाए। हाँ, ड्यूटी चेंज होता है हमारे। तो वहाँ तो एसी लगा हुआ है? हाँ, एसी लगा हुआ है ना वहाँ तो। चलो अच्छी बात है, रात में एसी में बैठते हैं हम। बहुत बढ़िया, 24 घंटे का पंप है। अच्छा, रात को खुलता है आपकी? 12 घंटे की ड्यूटी होती है? नहीं, 24 घंटे। नहीं, आपकी 24 घंटे? आप 24 घंटे ही पे हो? 9 बजे क्या है, कल सुबह 10 बजे जाएंगे, फिर परसों आएंगे 9 बजे। बट 24 घंटे कैसे कोई ड्यूटी कर सकता है? कर लेते हैं 24 घंटे ड्यूटी, 24 घंटे रेस्ट रहता है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन एक बारी में 24 घंटे तो सही नहीं है ना। मतलब करनी पड़ेगी नौकरी, करनी है हम ही क्या, सभी करते थे। अच्छा, और जितना भी स्टाफ है सुबह 9 बजे का है, परसों 10 बजे जाएगा सुबह। क्या बात कर रहे हो, रात को सेल हल्की हो जाती है ना 2 बजे के बाद। हाँ, इक्का आता बस है। लेकिन फिर भी काका 24 घंटे की ड्यूटी तो नहीं होनी चाहिए। कुछ लड़के ऐसे ना सवारी भी देते हैं, लोग 3-3 घंटे सो भी जाते हैं। अच्छा, जैसे हम अब सुबह 5 बजे तक जाएंगे। हाँ, ठीक है, 5 बजे सो जाएंगे हम, 9 बजे उठेंगे, 3 घंटे रेस्ट करते हैं। अच्छा, बीच बीच में रेस्ट मिलता रहता है हर लड़के मतलब। चलो, चार लड़के तो चार सोएंगे फिर, ठीक है। तो अपने पास दो ऑप्शन है, एक इस बिल्डिंग में है और एक अगली वाली बिल्डिंग में है, और दोनों के ग्राउंड फ्लोर हमारे को मिलते हैं। दोनों की ना अपनी अपनी एडवांटेज है, मैं आपको एडवांटेज भी बताऊंगा कि क्या एडवांटेज है। एक ये वाली बिल्डिंग है, दूसरी वाली अभी जब तक नहीं आता अवधेश तो वेट करते हैं। तो दूसरी वाली बिल्डिंग ना ये है, तो दोनों ना इंडिपेंडेंट स्पेस मिलते हैं हमारे को, बट ये ना कॉर्नर प्रॉपर्टी आ जाती है, तो इसका बेनिफिट है कि दोनों तरफ से अप्रोच नज़र आएगी। और इसमें हम क्या करेंगे ना, एक कॉर्नर पे या तो कैफ़े सेट करेंगे या बिल्कुल आगे फ्रंट पे। तो ये थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने पड़ेगी, और बेसिक काम जो है वो ऑनर करा के देंगे यहाँ का, बाकी सारा काम हमें खुद करना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। पीछे वाले में भी सेम सिचुएशन है, बेसिक काम जो है वो ऑनर करा के देंगे, बाकी सारा काम खुद करना पड़ेगा। और काफ़ी बड़ा स्पेस है, इट्स नॉट अ स्मॉल स्पेस, और बाहर भी स्पेस मिल जाता है हमारे को। और एक्सपेंशन में क्या है कि अगर हम 7 वाली बिल्डिंग ले लेते हैं दोनों, तो दोनों का एक्सपेंशन इजी हो जाएगा, कि दोनों का कनेक्टिविटी हो जाएगी, और फिर बीच में हम पार्टीशन नहीं क्रिएट कराएंगे। अभी क्या पार्टीशन क्रिएट कराना पड़ेगा, अभी बातचीत चल रही है, होपफुली यू नो थिंग्स विल गेट सेटल्ड। के जो ऑनर है उनको हमने एक ऑफर दिया, तो आज बिल्डिंग दोबारा देखने आया हूँ, कल भी आया था, और एक दो दिन और आऊँगा, ताकि इसमें क्या है सारी चीज़ें पहले से मैं समझ सकूँ कि क्या क्या काम होने वाले हैं, स्कोप ऑफ वर्क क्या रहेगा। हालांकि टीम पूरी एंगेज होगी बाद में, बट बेटर यह है कि पहले ही इफ़ एंड बट जितने भी है ना वो खुद ही चेक कर लो बिफोर मीटिंग। अदरवाइज़ होता है कि आप मीटिंग में बैठोगे और फिर ऐसी सिचुएशन आ जाती कि जब आपके पास कोई पॉइंट्स ही ना हो तो आपको रेंटल कम कराने में प्रॉब्लम होती है। अगर आपको रेंटल कम करवाना है तो आपको उनके पॉइंट्स बढ़ाने पड़ेंगे कि यार आपके यहाँ पे ये काम है, ऐसा ऐसा है, ताकि ऑनर की नॉलेज में जाए। मोस्टली इतनी बड़ी बिल्डिंग के ऑनर्स ना खुद इन्वॉल्व नहीं होते इसको रेंट आउट करने के लिए, लीज आउट करने के लिए, या इवन सेल करने के लिए भी। तो इस सिचुएशन में ना कोई उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो फिर बैक एंड फोर्थ मीटिंग चलती है। होपफुली एक दो मीटिंग्स के अंदर ये सेटल हो जाए। एंड अगर आप भी कोई जगह देखते हो तो उसके प्लस माइनस दोनों पॉइंट्स देख के करें। और बेस्ट पार्ट क्या है कि ये अपने ऑफिस से ना हार्डली किलोमीटर दूर भी नहीं है, तो ये अच्छी बात है कि भाई साहब यहाँ वाला। और हो सकता है कि अगर समझ में आया तो पूरा का पूरा ऑपरेशंस ही हम इतना शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल पास में वो वाली बिल्डिंग पे रेंट पे चढ़ा देंगे। तो भाई सेकेंड मीटिंग के लिए निकल गया हूँ, और सेकेंड मीटिंग है हमारे डिफेंस कॉलोनी में। ये वाला एजेंडा बहुत टाइम से चल रहा था कि जिनसे वो मैटर रिजॉल्व करना है उनसे मुलाकात हो जाए, बस और 6 मिनट में पहुंच जाऊंगा। वेदर इज़ वेरी वेरी नाइस, आप देखो वेदर कितना बढ़िया हो गया भाई दिल्ली का, मस्त बारिश वाला मौसम हो रहा है भाई। आई होप इट रेन्स, थोड़ा सा यहाँ पे गर्मी कम हो जाएगी। गला ख़राब हो गया यार चिल्ला चिल्ला के ना। वी हैड सम इश्यूज विद द मैन्युफैक्चरर जो हमारे लिए क्लोथिंग बना रहा था, तो उसने क्या किया, उसने ना प्रोडक्शन प्रोसेस में ना थोड़ा बहुत मतलब वो चेंज कर दिया। लो जी पंडित जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। बड़े दिन हो गए थे, दर्शन नहीं हुए थे आपके। देव ये वाला काम हमारा कितने महीने में हो जाएगा? हनुमान जी कृपा करेंगे जल्दी हो जाएगा। चलो 2-3 काम तो हो गए आपके कहने पे। जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। और ये काफ़ी टाइम से अटका हुआ था काम, मतलब आप सोचो कोविड का काम अब ठीक हुआ है, कुछ तो गलत हो रहा होगा हमारे से फिर।
गलत नहीं हो रहा, हर चीज का समय निश्चित है। मेरे को भी ये लग रहा है भगवान ने समय बना रखा है हर चीज के होने का, जब होना तभी होना है। हाँ पंडित, प्रॉब्लम पता कहाँ आ जाती है, ऐसे मान लो ऐसा लगता है कि बस अब ये 99 पे बैठे हैं, एक नंबर नहीं आ रहा। वो ऐसा ही होता है, सबको ऐसा लगता है जो 99 पे जाकर के ना किनारे पे जाकर डूबता है व्यक्ति। हाँ किनारे तक की ताकत लगती है। हाँ फिर किनारे पे जाकर चलता है, पता कि थोड़ी हिम्मत और करी होती तो पार हो जाते हैं।